हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द पंजाबन ब्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ मेबलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा का। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक है ये वाला इजी वॉश जो कि वॉशेबल है, और सेकंड है ये वाला वाटरप्रूफ। दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि एक ईजी वॉश है, ईजिली वॉश हो जाता है, और सेकेंड वाटरप्रूफ है जिसको उतारने के लिए आपको किसी अच्छे मेकअप रिमूवर की ज़रूरत होती है। मेरे पास ईजी वॉश वाला है, मैंने इसको अमेजोन से बाय किया है, और इसका डायरेक्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में दिखता है। इसकी कोई भी आउटर पैकेजिंग नहीं होती है, ऐसे ही मुझे रिसीव हुआ था, और यहाँ पे बैक साइड पे भी लिखा हुआ है वॉशेबल एंड वेरी ब्लैक, और काफ़ी क्यूट सी कॉम्पैक्ट सी पैकेजिंग है। इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, अपने पर्स में, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो। और अगर ये वाला कवर निकाल दूँ तो इसके ऊपर कुछ भी और मेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने ये वाले कवर को संभाल के रखा हुआ था ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका क्या प्राइस है, एक्सपायरी डेट कब है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, और अगर आप इसको फेंक देते हैं तो आपको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। सो इसी कवर के ऊपर लिखा हुआ है जो इसका प्राइस है 310, लेकिन ये मुझे डिस्काउंट में 210 में अमेजोन से मिल गया था। और इसकी शेल्फ लाइफ 3 साल के लिए है, लेकिन 6 से 7 महीने ईजिली चल जाता है अगर आप इसको डेली यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको डेली यूज नहीं करते हैं तो हो सकता है 6-7 महीनों बाद ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे। तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेस का सोल्यूशन होता है लिक्विड, उसकी कुछ ड्रॉप्स लेके आपने इस बोतल में डाल देनी है और इसको अच्छे से शेक कर लेना है, तो ये दोबारा से ठीक हो जाएगा। सो चलिए अब मैं आपको इसको अप्लाई करके बता देती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। सो सबसे पहले मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल करूँगी एक आईलैश कर्लर की हेल्प से। अगर आपके पास आईलैश कर्लर नहीं है तो भी आप ये वाला मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सप्रेस है तो ये अपने आप में ही एक आईलैश कर्लर है, आपकी आईलैशेस को काफ़ी अच्छे से वॉल्यूम देता है, कर्ल करता है। सो चलिए मैं ये वाला मस्कारा अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इजीली डिफरेंस पता चल जाए कि मस्कारा अप्लाई करने से और मस्कारा अप्लाई ना करने से आईज में कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है। सो इसको अप्लाई करना है आपने ऐसे ऊपर की तरफ घुमाते हुए, थोड़ा सा विगल करते हुए, शेक करते हुए इसको अप्लाई करना है ताकि मस्कारा हमारी आईलैशेस के ऊपर अच्छे से लग जाए। ये वाला मस्कारा वॉल्यूम एक्सप्रेस है और हमारी आईलैशेस को अच्छे से वॉल्यूम देता है और उनको लेंथ भी देता है। अगर आपकी आईलैशेस छोटी हैं लेकिन आप ये वाला मस्कारा अप्लाई करेंगे तो वो लॉन्ग दिखाई देंगी। आप देख सकते हैं पहले मेरी आईलैशेस दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब इजीली विजिबल है, आप एक आंख में और दूसरी आंख में इजीली डिफरेंस देख सकते हैं। सो चलिए अब मैं दूसरी आईज पे भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी आईलैशेस वैसे भी थोड़ी सी लॉन्ग है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ी लॉन्ग है। आपको पता ही है क्यों लॉन्ग है, क्योंकि आपने अगर मेरी कल वाली डेली स्किन केयर रूटीन अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने ये चीज़ भी बताई है कि मैं अपनी आईलैशेस को कैसे ग्रो करती हूँ। तो ये वाला मस्कारा अप्लाई करने के बाद आईलैशेस और ज़्यादा बड़ी दिखती हैं और ज़्यादा लॉन्ग दिखती हैं। सो जो नीचे की आईलैशेस हैं वहाँ पे भी हमने मस्कारा अप्लाई करना है। सो आप देख सकते हैं मैंने कोई भी फॉल्सेस फेक आईलैशेस अप्लाई नहीं करी है, उसके बाद भी मेरी आईलैशेस में कितना अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। सो अब एक बार जब एक कोट ड्राई हो गया, अब मैं सेकेंड कोट अप्लाई कर रही हूँ ताकि आईलैशेस और भी ज़्यादा वॉल्यूमाइज नज़र आएँ। सो मैं स्पूली की हेल्प से इनको सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा कोट अप्लाई कर लेते हैं हम ये वाले मस्कारे के, तो आईलैशेस थोड़ा सा आपस में स्टिक होने लगती हैं। सो इसलिए मैंने स्पूली की हेल्प से इनको सेपरेट किया था। सो मैंने अप्लाई कर लिया है इजी वॉश वाला मस्कारा। वाटरप्रूफ वाला मेरे पास नहीं है, लेकिन ये इजी वॉश है, इजीली अप्लाई हो जाता है और इजीली निकल भी जाता है। जब मैं अपना फेस को वॉश करूंगी तो इजीली फेस वॉश के साथ ये पानी के साथ निकल जाएगा, लेकिन अगर आप वाटरप्रूफ वाला यूज़ करते हैं तो वो इजीली पानी से नहीं निकलता है, आपको उसको निकालने के लिए किसी अच्छे मेकअप रिमूवर को ही यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। इसलिए मेरे लिए ये बेस्ट है क्योंकि मैंने इसको डेली यूज़ करना होता है। अगर हम डेली वाटरप्रूफ वाला यूज़ करेंगे और इसको डेली हम मेकअप रिमूवर से रिमूव करेंगे तो हमारी आईलैशेस को उतरने का भी डर होता है, आईलैशेस हमारी निकल सकती हैं। वाटरप्रूफ वाला भी मैं बहुत जल्दी ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि वो पार्टी फंक्शंस के लिए बेस्ट होता है। सो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे ब्रांड से है, मेबलिन से है, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, डिस्काउंट वगैरह चलता रहता है, चाहे आप कहीं से भी ऑनलाइन बाय करें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यस, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो मेबलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा इजी वॉश के ऊपर। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और ये वाली वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
केयर, लव यू ऑल।